नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली बाजार। मैं एसके रंजन, व्यापार जींस की खास खबरों के साथ। आज विशेष में बात करेंगे जीरा के बारे में, और बात करने के लिए हमारे साथ हैं ए लल्लू दास एंड कंपनी के मालिक रोहन पटेल जी। आइए इनसे बात करते हैं क्या कुछ बता रहे हैं जीरा के बारे में। रोहन जी, दिल्ली बाजार में आपका स्वागत है। धन्यवाद रंजन जी। सर, जीरा के बारे में क्या कुछ ख्याल है आपका, और जीरा की बुआई जो है शुरू हो गई है, इस बारे में आप क्या कहना चाह रहे हैं? जीरे की बिजाई इस साल थोड़ी कम रहेगी, 20-25% कम रहने की उम्मीद है। गुजरात और राजस्थान में इसकी सबसे ज़्यादा मेन राज्य हैं जिसमें इसकी बिजाई होती है, पर अदर आइटम के रेट तेज़ होने से, जैसे चना हो गया, इसबगुल हो गया, काफ़ी तेज़ होने से जो जीरे की बिजाई है वो 20-25% अगले साल कम रहेगी, ऐसा अनुमान है हमारा। तो क्या सर, जीरे की बुआई कम होने से रेट पर इसका कुछ प्रभाव पड़ेगा, या स्टॉक कितना है जो अभी 2019-20 की जो फसल आई थी उसका अभी स्टॉक कितना है उत्पादक केंद्रों पर, और खास करें तो यहाँ स्टॉक कैसा है जीरा का? जो करंट ईयर चल रहा है, इस साल 1 करोड़ के आसपास क्रॉप आई थी, 1 करोड़ बैग के आसपास, उसमें से 80 लाख के आसपास की खपत हो जाएगी। जब तक नया जीरा आएगा तब तक 21 लाख बोरी का कैरी फॉरवर्ड आएगा, और जो हमारा अनुमान है वो अगले साल, वो जैसा कि मैंने पहले बताया कि 20-25% कम रहने की उम्मीद है जी। तो अगले साल भी इसी के आसपास आंकड़े आपको देखने को नजर आ जाएगा, देखने को मिल जाएंगे। रेट के बारे में क्या कहेंगे, उत्पादन कौन होने का प्रभाव रेट पर पड़ेगा? देखिए, इस साल तो ज़्यादा कोई प्रभाव पड़ा नहीं है, सरकमस्टेंसेस ऑल ओवर वर्ल्ड और कोरोना की वजह से काफ़ी टाइम व्यापार भी नहीं हुआ है, तो आप समझिए एक्सपोर्ट इस साल हाईएस्ट रहा है, और अगले साल भी यदि इस तरह का एक्सपोर्ट रहता है तो जीरे में काफ़ी अच्छा मुनाफा मिलने की उम्मीद है। लोगों को स्टॉक अगले साल जीरा करना चाहिए, यदि उसका प्राइस नीचे का बनता है, जैसे आज 143 के आसपास है, यदि इसका भाव नए सीज़न में मार्च के आसपास 130-135 रुपये के आसपास आए तो जीरे का अच्छा स्टॉक करना चाहिए, उसमें अच्छा मुनाफा होने की। क्या रहा है एक्सपोर्ट ज़्यादा होने का? इंडियन फ्लेवर जो है वो काफ़ी अच्छा माना जाता है जीरे का, तो इंडिया की एक्सपोर्ट की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है, हाईएस्ट रहा है इस साल, और आगे भी इसी तरह का एक्सपोर्ट रहेगा। नई फसल आने के बाद ये रेट कितना नीचे आ जाएगा? जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि ज़्यादा मंदे वाली कोई बात नहीं है, 5-7 रुपये ही डाउन आएगा, पर वो लेवल भी काफ़ी अच्छा रहेगा जीरे का स्टॉक करने के में। कम से कम 3-4 महीने का टाइम है, तो आप क्या कहना चाहेंगे कि जीरा बेचते रहना चाहिए या बेच करके निकल जाना चाहिए, मुनाफा कमाना चाहिए, इस बारे में क्या कहेंगे? अभी यदि वैसे तो ज़्यादातर माल है नहीं, लोग बाग हैंड टू माउथ ही चल रहे हैं इस साल ज़्यादातर, फिर भी फिलहाल इन रेटों का माल है तो उसके अंदर 7-8 रुपये बढ़ने की जल्द से जल्द उम्मीद है, बढ़ सकता है बाजार इसमें, अभी रुकना चाहिए। 7-8 रुपये की जीरे का बाजार जब बढ़ जाए तब उसको कहेंगे, कारण कि जीरा के किंग के रूप में जो है आप जाने जाते हैं, और उत्पादक केंद्रों से लेकर के यहाँ भी जो है एशिया की सबसे बड़ी मंडी में आप बैठ करके आप व्यापार कर रहे हैं, और आपका जो ब्रांड है शिव पुजारी, क्या कहेंगे किस तरह से क्वालिटी मेंटेन कर जिससे लोग जो है आपके जीरे का जो है दीवाना हुए हैं? ऐसा है सर, यदि आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस रखना है तो आपको क्वालिटी तो हमेशा मेंटेन करनी ही पड़ेगी, चाहे किसी भी स्ट्रीम में आप हो, तो क्वालिटी कॉन्शियस तो आपको रहना ही पड़ेगा। तो जब से ये ब्रांड शुरू किया है तब से एक ही मोटिव हमारा रहा है कि फर्स्ट प्रेफरेंस इज़ क्वालिटी, उसके बाद कोई भी दूसरी चीज़ है वो बाद में सोची जाएगी, पहली चीज़ क्वालिटी ही सोची जाएगी, तो वही एक आप मेजर कारण मानते हैं कि क्वालिटी पे विशेष ध्यान देने की वजह से, और जो ग्राहक चाहता है वही चीज़ हमने उसको प्रोवाइड की है, या हम कोशिश करते हैं कि उसको वही चीज़ प्रोवाइड की जाए, उस वजह से थोड़ा सा कह सकते हैं कि ये थोड़ा बहुत पॉपुलर है। सर, जीरा बेचने वाले तो मार्केट में बहुत हैं, मिक्सिंग की भी समस्या आती है, तो सुनने में ये भी आया है कि लोग जो है जीरा के ऊपर सीमेंट चढ़ा करके बेचते हैं, कुछ एकाध केसेज आए हैं, तो मिक्सिंग के बारे में क्या कुछ कहेंगे? सर, गलत चीज़ है, किसी की हेल्थ के साथ हमें खेलने के लिए कोई अधिकार नहीं है, स्ट्रिक्टली इसके ऊपर नॉर्म्स कड़क है ही हमारे सरकार के, और भी होने चाहिए, तो इस टाइप का कार्य जो भी करता है वो गलत है, उसका जितनी निंदा की जाए वो कम से कम है। सर, दिल्ली बाजार से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, थैंक यू वेरी मच।